नहीं, मैं इंचार्ज इंजीनियर हूँ इस प्रोजेक्ट का जो हमने स्मार्ट सिटी के थ्रू उठाया हुआ था। हम टूरिज्म डिपार्टमेंट से इसकी एग्जीक्यूशन कर रहे हैं जो हमने अप्रैल 2020 में उठाया था अंडर स्मार्ट सिटी लिमिटेड। तो इसका काम हम पिछले 1-1.5 साल से कर रहे हैं। तो जो आज इसका वर्चुअल इनॉग्रेशन हो गया है और 25 को ये पब्लिक यूज़ के लिए छोड़ा जाएगा और जो इनकी चर्च इंतज़ाम है उनके हवाले कर दिया जाएगा। 1896 में तब ज़माने में बना था, लेकिन पिछले 35 साल से बिल्कुल ही खस्ता हाल हो गया था। इसका स्ट्रक्चर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, सारा फसाड वर्क जो था वो पूरा डैमेज हो गया था। तो अंडर स्मार्ट सिटी ये उठाया गया फॉर हेरिटेज कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज बिल्डिंग जितने भी हैं श्रीनगर में या कश्मीर में, उनको उठाते हुए ये चर्च भी उठाया हुआ था। तब फॉरनर्स आते हैं, वो देखना चाहते हैं कि लोकल हेरिटेज क्या है, इनके पास क्या अपनी सकाफत क्या है, तो उसमें से ये चर्च भी अब ऐड हो जाएगा। क्योंकि जामिया मस्जिद जैसे हमारी श्रीनगर है, कुछ मंदिर यहाँ पे पुराने शंकराचार्य और ये भी उसमें एडप्ट हो जाएगा। जो भी फॉरनर टूरिस्ट आएंगे वो इस प्लेस पे भी अब आएंगे।